सो दोस्तों, रेलवे ने पहले ही बता दिया था कि नहीं, आने वाले टाइम पे नया स्लीपर वंदे भारत आने वाला है, जो 200 वंदे भारत स्लीपर कोच में लॉन्च होने वाला है। और फाइनली लग रहा है कि वो जल्दी लॉन्च होने वाला है, क्योंकि कुछ इमेजेज लीक हुआ है, ठीक है, ट्विटर में भी लीक हुआ है, टाइम्स ऑफ इंडिया के, हिंदुस्तान के, हर न्यूज़ चैनल के तरफ से कुछ इमेजेज लीक हुआ है, जो आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। तो स्लीपर वंदे भारत किस तरह का होने वाला है आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आपको पूरा दिखाई देगा। पहले तो चेयर कार का कुछ वंदे भारत का है, उसके बाद आपको देखने मिलेगा स्लीपर क्लास का वंदे भारत का। और स्लीपर क्लास के बारे में आप लोगों को मैं बता दूं, इसमें 11 थर्ड एसी का बॉगी होने वाला है, 4 सेकेंड एसी का, 1 फर्स्ट एसी का, टोटल 857 सीट होगा, जिसमें से 823 पैसेंजर के लिए रखा जाएगा और 34 स्टाफ सीट होगा। और सब बॉगी में स्पेशल पेंट्री कार होगा, मतलब सेल्फ पेंट्री कार होगा, और सीट तो बहुत ही कंफर्टेबल होगा सब बॉगी में, नो डाउट, क्योंकि जैसे राजधानी में फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी हुआ करता था, इसमें भी वही होगा। पर किराया एक्सपेक्टेड है कि ज़्यादा हो सकता है, राजधानी शताब्दी से ज़्यादा हो सकता है या दुरंतों से। और वंदे भारत लॉन्च करने से फर्क ही गिरने वाला है दूसरे ट्रेनों में। और वंदे भारत का आपको इंटीरियर दिख रहा होगा किस तरह का होने वाला, ये लीक से साफ साफ हो गया है कि अगला साल 2024 मार्च या अप्रैल में साइट से साइट लॉन्च हो जाएगा, और आप लोगों को देश का पहला वंदे भारत देखने मिल जाएगा, हो सके वो पटना दिल्ली हो या मुंबई दिल्ली। और ऑरेंज कलर में भी कुछ बॉगी डिज़ाइन करते हुए दिखा गया है, हो सके ऑरेंज कलर में भी निकाल सकता है दोस्तों।